बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किंग सॉफ्टवेयर में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको जोंग 4G बोल्ट प्लस डिवाइस को अनलॉक करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, जोंग 4G बोल्ट प्लस को अनलॉक करने की जो आप नई फाइल आई है, वो तकरीबन 10 वर्जन को एक ही फाइल मैच होती है अनलॉक करने के लिए। मैं वो फ़ाइल की लिस्ट जो इसे मैच होती हैं, वो मैं फ़ाइल की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास जोंग बोल्ट प्लस की डिवाइस है जिसे आप अनलॉक करना चाहते हैं, आप उसे वर्जन चेक कर सकते हैं कि आप ये जो फ़ाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इनकी लिस्ट दे रहा हूं, अगर आपके पास इस तरह की इस लिस्ट में दिए गए जो वर्जन हैं, अगर आपके उस वर्जन की डिवाइस है तो आप उसे वो फ़ाइल मैच हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ छोटे से रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल किंग सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। दोस्तों, आपने सबसे पहले डिवाइस को नॉर्मल मोड में ऑन कर लेना है। जब ये नॉर्मल मोड में ऑन हो जाए तो आपने इसे डाटा केबल के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच कर देना है। मैं बाकी इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसे अनलॉक करना है, और मैं आपको इसका वर्जन जो है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने जोंग की सिम सॉरी मैंने इसमें जैज की सिम डाली हुई है इस वक्त। ये देखें, ये नो सर्विस आ रही है, ये देखें रेड लाइट आपको महसूस हो रही होगी। मैंने जैज की सिम ऑलरेडी इसमें डाली हुई है। जैसे अनलॉक करेंगे तो इसकी सिग्नल वगैरह आ जाएंगे। अनलॉक होने के बाद फाइल भी जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसके ड्राइवर्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और इसके IME कमांड्स जो होती हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये नॉर्मल मोड में ऑन हो गई है, सिम इसमें डाली हुई है। बाकी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाता हूँ और इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल समझाता हूँ हमने किस तरीके से इसे ऑल नेटवर्क के लिए अनलॉक करनी है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, डिवाइस मैंने कंप्यूटर के साथ लगा दी है, तो आपको मैं माय कंप्यूटर में ले चलता हूँ। दोस्तों, इस तरह का अगर आपके पास कोई ऑप्शन वगैरह आता है, जैसे ये मोबाइल हो वाईफाई का ऑप्शन आ गया आइकॉन, तो आपने इसे डुअल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो जाएगा जब इस तरीके से, तो वहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसका जो है वेब एडमिन पेज वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। दोस्तों, इसका वेब एडमिन पेज ये देखिए, ये सामने आ चुका है। यहाँ पे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने इसका रख डिवाइस का दिया हुआ है, आप वहाँ यहाँ पे इंटर करेंगे। मैं आपको इसका जो वर्जन है वो मैं चेक करा देता हूँ आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन में से। दोस्तों, आपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, उसका वर्जन चेक करने के लिए आपने सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे डिवाइस इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ पे टोटल डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो ये है 21.21.33.64.01.1456, ये इसका वर्जन है। हमने इसे
ऑल नेटवर्क के लिए अनलॉक करना है। दोस्तों मैंने आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सॉफ्टवेयर वर्जन है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपने यहाँ से इसे क्लोज़ कर देना है। दोस्तों आपने डाउनलोड कर ली ये फाइल, डिस्क्रिप्शन में मैं दी हुई है, डीसी अनलॉकर, IMEI कमांड और तीसरी जो है ये अनलॉक फाइल, और इसके साथ ये IMEI जनरेटर, जिसमें आपको IMEI जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आप ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक में से मैंने लिंक दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ये तीनों चार जो हैं ये ऑप्शन ये आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये तीनों चार डीसी अनलॉकर, IMEI कमांड और अनलॉक फाइल और IMEI जनरेटर, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आप जो डिवाइस है हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो इसकी नॉर्मल मोड में अटैच है, तो हमने इसे अनलॉक करने के लिए सबसे पहले डीसी अनलॉकर को आपने ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने हैं अपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए ओपन करना है इसे। दोस्तों डीसी अनलॉकर जो है ये ओपन हो चुका है। आपने यहाँ से आके सर्च वाला ये जो ऑप्शन है, आपने डिटेक्ट मोडेम को डिटेक्ट करना है। डिवाइस जो है नॉर्मल मोड में ऑन है, कंप्यूटर के साथ अटैच है, ड्राइवर भी आपने इसके इंस्टॉल कर लेने हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ड्राइवर करने के बाद, डिवाइस कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डिटेक्ट मोडेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखिए इसका जो डिवाइस की टोटल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी, यानी कि 21.333 वाला वर्जन है इसका, ये सामने ये शो हो रहा है ये वर्जन। और ये देखें सिम लॉक स्टेटस जो है ये लॉक्ड है, अनलॉक नहीं है, तो हमने इसे अनलॉक करना है। दोस्तों आपने यहाँ पे सबसे पहले एक कमांड देनी है डिवाइस को बूट मोड में करने के लिए, अपने IMEI कमांड को ओपन करनी है। फर्स्ट वाले जो कमांड है आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, कॉपी करके आपने डीसी अनलॉकर में चले जाना है। यहाँ पे आपने कमांड को पेस्ट कर देना है, यहाँ वहाँ से कॉपी करके आप इंटर करेंगे तो आपकी जो डिवाइस है वो उसकी लाइट जो है ब्लिंकिंग, दोनों लाइट्स ब्लिंकिंग करना शुरू कर देंगी। आपकी डिवाइस जब ब्लिंकिंग करना शुरू करेगी तो ये डिवाइस बूट मोड में चली जाएगी। आपने सेकंड ये करना है कि आपने जो इसकी अनलॉक फाइल है आपने वो रन करनी है, जो डीसी अनलॉकर है आपने इसे मिनिमाइज कर देना है, लेकिन क्रॉस नहीं करना आपने इसे। दोस्तों ये फाइल जो है काफ़ी सारे वर्जन्स को मैच होती है, आपने डुअल कर करके इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे फाइल जो है कुछ टाइम लेगी राइट होने में, तो इस दौरान जो है आपने कंप्यूटर के साथ जो डिवाइस के साथ केबल अटैच है आपने उसे निकालना नहीं है, ना ही डिसकनेक्ट होने देना है, वरना ये डिवाइस जो है ये डेड हो सकती है। दोस्तों जो अब इसका अनलॉकिंग का प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है, थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ आपको एक IMEI की भी ज़रूरत होगी, अगर आप इसका डिवाइस का IMEI रिपेयर नहीं करेंगे तो इसमें जो नॉर्मल जोंग की कॉल वाली सिम है वो इसमें वर्क नहीं करेगी, इसमें बाकी जो तमाम नेटवर्क की सिम है वो वर्क करेंगी। अगर आप इसकी IMEI रिपेयर करेंगे तो इसमें जोंग की नॉर्मल कॉल वाली सिम भी वर्क करेगी। दोस्तों आप इसी एक फाइल को बहुत सारे वर्जन पे मैच कर सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वर्जन वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये डिवाइस जो है इस वक्त अनलॉक हो चुकी है, लेकिन इसका IMEI रिपेयर करना भी बाकी है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ये जेएस की, टेलीनॉर की और यूफोन की सिम तो इसमें चलाएगी, लेकिन जोंग की सिम इसमें वर्क नहीं करेगी।
दोस्तों अब आपने यहाँ से दोबारा सर्च करना है डिटेक्ट मोडेम पे। ये देखें दोस्तों, ये सिम लॉक स्टेटस मैंने आपको पहले चेक कराया था, उस वक्त लॉक्ड थी। अब ये देखिए ये अनलॉक्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है हमने इसका IMEI रिपेयर करना है। IMEI रिपेयर करने के लिए आपको एक IMEI की ज़रूरत होगी। आपने अपने मोबाइल का IMEI भी आप इस पर राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने IMEI जनरेटर में आपने IMEI जो है अपने मोबाइल की वो यहाँ पे आपने राइट करनी है। मैं ये देखो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप अपने मोबाइल की भी IMEI यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आप IMEI लिख के यहाँ पे, मैंने IMEI पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने यहाँ पे IMEI लिखनी है। इसमें IMEI जनरेटर में IMEI लिखने के बाद आपने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन में हमें जो IMEI मिलेगी, आपने इसे कंप्लीट को कॉपी कर लेना है। आपने यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल आपने कॉपी कर लेनी है। इसे आपने कैंसिल कर देना है यहाँ से। तो अपने जो DC अनलॉकर ओपन है आपने उसमें चले जाना है यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे उसे IMEI जो हमने कॉपी किया आपने यहाँ से पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना है। ओके लिखा हुआ आएगा तो आपने यहाँ से दूसरी कमांड लगानी है इसे IMEI को सेव करने के लिए, ये वाली ATINFORBU, ये वाली आपने कमांड देनी है। यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है, इंटर करना है। और यहाँ से आपने ये लास्ट वाली ATRESET वाली जो कमांड है ये आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है और आपने इंटर कर देना है। दोस्तों आपकी जो डिवाइस है ये रिस्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसमें सिम जो है वो आपको पहले बताया है कि इसमें सिम मैंने JS की डाली हुई है। दोस्तों ये देखिए इसका डिवाइस अनलॉक होने के बाद इसका जो वेब एडमिन पेज है वो ओपन हो रहा है। दोस्तों यहाँ से आपने लैंग्वेजेस की सिलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों ये देखिए डिवाइस अनलॉक हो चुकी है। ये देखिए JS के सिग्नल आ चुके हैं 4G के यहाँ पे। और अब सेटिंग पे मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों ये देखिए डिवाइस इन्फॉर्मेशन में ये देखिए यहाँ पे IMEI रिपेयर भी हो चुकी है। और ये देखिए डिवाइस भी वर्जन वही रहेगी लेकिन ये अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें किंग सॉफ्टवेयर को, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों एक चीज़, आपने जब डिवाइस को अनलॉक करना है तो आपने अपने एंटीवायरस को जो है वो परमानेंटली ऑफ रखना है, क्योंकि इसकी जो डिवाइसेस की अनलॉक फाइल्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर जो होता है इसका वो वायरस वाली फाइल्स पर मबनी होता है। तो अगर आप
एंटीवायरस को ऑफ नहीं करेंगे तो इसकी फाइल जो करप्ट हो सकती है, और उस करप्ट फाइल होने की वजह से आपकी डिवाइस जो है कि वो डेड हो सकती है।